तलवंडी साबो दे पिंड झज्जर तो खबर सामने आई है जिथे औरत ने अपने सहुरे उत्ते गैर समाजिक संबंध बनाने लई परेशान करन दे दोष लाए हन। इस मौके औरत ने दसिया कि ओ तलवंडी साबो दे पिंड झज्जर विच व्याही हुई है अते उसने दो लड़कियां नू जन्म दिता है जिन्हां विचों एक लड़की दी मौत हो चुकी है जबकि एक उसदे कोल है। इस दे नाल ही औरत ने दसिया कि उसका सहुरा परिवार उसनू लड़के नू जन्म देने लई परेशान कर रहा है। उसने पुलिस कोल शिकायत दर्ज करवा के इंसाफ की मंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट आज दी आवाज़। की नाम बेटा छोटा? मेरा नाम जसपाल कौर है। मेरे पिता का नाम कुलदीप सिंह है। मेरा पिंड बैमन कौर सिंह है। मैं झज्जर पिंड ब्याही हाँ। मेरे घर वाले का नाम लखविंदर सिंह है। उन्होंने पिता का नाम अमरजीत सिंह है। मेरे माता पिता ने मेरा बहुत तंगियां दोषियां नाम असा ब्याह किया। उन्होंने घर मैं पहला ठीक सी हूँ मैनू बहुत तंग करते थे। सहुरा साहब मैं गलत बोलते ने गलत गल्लां करते ने धमकियां देंदे ने शरेआम। मेरी ननान मेरी सस सारे साथ देंदे ने नाल। कोई उन्होंने कुछ नहीं बोलता। मेरे घर वाले भी उन्होंने कुछ नहीं कहते। वह भी चुप रहते ने गे। वह मैं बहुत गलत बोलते ने शरेआम आके मैं फड़ लेंदे ने गे। मैं कहते ने मेरे नाल रिलेशन बना भी मेरे मुंडे दे मुंडा नहीं हुंदा भी तू मेरे नाल रिलेशन बना फिर तेरे मुंडा होगा। इदां दीआं गल्लां करदे ने गलत बोलते ने। मेरे दो कुड़ियां ने एक कुड़ी स्पैर हो गई एक मेरे कोले ने गे। वह बहुत मैं गलत गल्लां कहते ने गलत करते ने मेरे नाल। मैं धमकियां देंदे ने कहते नाले तो मैं तेरे घर वाले लखविंदर नूं मरवा दूंगा नाले तेरी बेटी नूं नाले तेरे भरा नूं जे तू किसी कोले गल की। ये धमकियां दे दे के मैं अंदरों अंदर ही डरा के रखते ने गे। हूँ भी मैं अपने माँ प्यो ने किसी ने कुछ नहीं दसिया दसना चाहती भी नहीं सी। मैं अंदरों बहुत डरी हुई सी। इन्हें मेरी मम्मी ने मैनू गल्लां करदे सुनिया मेरे घर वाले नाल। मेरे मापिया ने हुण मेरी सहायता करन लई ये कदम चक्या। उन्होंने ये आखे भी साडी कुड़ी बहुत तंग हैगी तां करके एक्शन लिया गया जी। हुण बेटा हुण तुसीं मंग की करदे हो? मंग मेरी हुण इही है जी उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए सख्त तो सख्त। उन्हें कुटमार होनी चाहिए। जिहड़े उन्हें गंदे हत्थां नाल मैनू छूहे वो हत्थ ही कुटने चाहिए। जिहड़ी गलत निगाह नाल देखिया उन्नी गां उहदी अक्खां मन्ननियां चाहिए। जो कुछ होना चाहिए सारा कुछ उहदे नाल कुटमार सब कुछ होना चाहिए वह बंदे नाल। वह बंदे ने बहुत गलत किया मेरे नाल बहुत धक्का किया जी जबरदस्ती की है। हाँ जी रबट दिती है जी। हाँ जी अज लगता है भी इंसाफ मिलूगा जी। कह रहे हैं परचा कट्टन नूं जे कट्टन गए जी हजे कोई पता नहीं जदों कट्टेगा उदों पता लगेगा जी। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੋ ਜੱਜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਦਾ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣਾ ਨਾਮਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੱਜਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ IPS ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਥਾਣਾ ਨਾਮਾ ਵਿਖੇ JDA ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 67 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 376 511 506 IPC ਮਿਤੀ 30/5/2023 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
जिहड़ी कि उस लड़की वालों नाकाम की है। तो इस संबंध में जोड़ा है जिस तरह इस केस पंचायतों ते मोहतर व्यक्तियों ने कानून का साथ दिता और लड़की की मदद की है, उस आधार पर दोषी जोड़ा है गुनाहगार मनिया पंचायत पंचायत ने, तो इस आधार पर मुकदमा सही तत्थों के आधार पर दर्ज किया गया, तो इस दोषी की गिरफ्तारी की जा रही है। तो मैं इतने तुहाडे चैनल के माध्यम राही सारे लोगों मोहतर व्यक्तियों तो समाज में अपील करदा कि जो भी कोई अजिहा जुर्म हुंदा है उसके खिलाफ सारे डट के आवाज़ उठाओ ताकि किसी होर लड़की नाल अजिही हरकत करनी किसी की हिम्मत ना हो और कोई पीड़ित जी है वो इंसाफ लई इधर उधर ना भटके।